दिखाई दे रही तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं, जहां पारस अस्पताल के बाहर खुले में गाड़ियां पार्क की गई हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि वो इसके लिए पार्किंग चार्ज भी वसूल कर रहा है। मतलब सरकारी जमीन पर निजी अस्पताल अपनी पार्किंग चला रहा है, जो कि अवैध है। मामला जब एक आरटीआई कार्यकर्ता के संज्ञान में आया तो वो थाने तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद शिकायतकर्ता सीएम विंडो पहुंचा, तब कहीं जाकर पुलिस के कान पर झूरेंगी और निजी अस्पताल पर केस दर्ज कर लिया गया। मामला ये है कि पारस हॉस्पिटल के पास कोई पार्किंग की करने के लिए जगह नहीं है, जो इसमें कॉमर्शियल पार्किंग करवा सके, इवन फ्री के लिए भी नहीं है। इन्होंने फ्री पार्किंग के लिए बेसमेंट 2 रखा था, सैंक्शन लिया था जब बिल्डिंग प्लान हुआ, उसमें भी इन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी कर दी। पिछले साल सितंबर में मैं और बलबीर जी पारस हॉस्पिटल गए थे, तो हमसे बाहर गाड़ी खींच आने लगे, तो हमसे जबरदस्ती 30 रुपये लिए इन्होंने। हमने पुलिस में इसकी शिकायत की और नेट पे चेक किया कि इन्होंने जो बेसमेंट 2 भी पार्किंग के लिए ले रखा था, उसमें भी फ्री पार्किंग कर रखी है इन्होंने, लेकिन प्रैक्टिकली जाके देखा वहाँ लैब और दूसरी चीजें। इस चीज की शिकायत हमने पुलिस को की और सीएम विंडो पे भी डाली। जब सीएम विंडो की हमारी शिकायत पुलिस के पास आई, उन्होंने जांच करके बता दिया कि ये अवैध पार्किंग करवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं उसके ऊपर निगम कार्रवाई करेगा। निगम में जो हरिओम अत्री जी ज्वाइंट कमिश्नर थे और समीर श्रीवास्तवा जी जो ZTO 3 थे उस टाइम, उन्होंने उसकी जांच की और जांच में पाया कि बेसमेंट जो इन्होंने फ्री में कर रखा है, जिसका इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भी एग्जम्प्ट करवा रखा है, वो तो इन्होंने कॉमर्शियल कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने 16,27,582 रुपये फाइन लगाए और 1 सप्ताह के अंदर उसकी रिकवरी की। अब दूसरी बात रह गई कि जो अवैध पार्किंग करवा के वसूली कर रहे थे, उसके बेस पे कंप्लेंट थी, हमारी कंप्लेंट थी, हमसे भी 30 रुपये लिए थे, उसकी पर्ची है, उसके ऊपर पुलिस ने कल उन पर एक्सटॉर्शन का FIR दर्ज की है। इससे पहले भी हॉस्पिटल की निर्धारित पार्किंग में कमर्शियल गतिविधि पर पारस हॉस्पिटल पर निगम द्वारा 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उसके बावजूद हॉस्पिटल की मनमानी चलती रही और अस्पताल के अंदर खुले एरिया में गाड़ी पार्क कराकर अवैध तरीके से उसका चार्ज लिया जा रहा था। कोई भी हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल है या दूसरा कोई भी है या मॉल्स है, इनमें जो पार्किंग है वो फ्री पार्किंग है, लेकिन बहुत जगह पता चला है कि कई जगह पार्किंग के नाम पे और अवैध वसूली की जा रही है। अच्छा, मॉल्स की आपने बात करी, अधिकतर मॉल्स की देखा जाए तो वहाँ पर भी पैसे लिए जाते हैं पार्किंग के, क्या वो नहीं ले सकते? सर, वो पार्किंग के पैसे नहीं ले सकते। जब भी कोई बिल्डिंग प्लान उनका अप्रूव होता है तो पार्किंग स्पेस जो ओपन स्पेस है उसको खाली रखा जाता है। जो माल पार्किंग के लिए पैसे लेता है उसको उसको कॉमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। जो माल कॉमर्शियल टैक्स दे रहा है अपनी पार्किंग के, वो तो ले सकता है, लेकिन शायद अभी किसी कोई भी नहीं दे रहा है, तो वो काफी ज्यादा पड़ता है। तो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि फ्री पार्किंग और हम फ्री में करवाएंगे यहाँ पे और हम पे टैक्स ना लिया जाए। अब किन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है? सर, 384 पे एक्सटॉर्शन का किया है। धाराएं तो इन पे और भी लगेगी, शायद अभी वो नहीं हो पाई है, क्यों जो की जा रही है पारस हॉस्पिटल और ठेकेदार की मिलीभगत करके की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, हेराफेरी, वहाँ पर्ची दी जा रही है, बोर्ड लगा के लोगों को कहा जा रहा है कि भाई अवैध पार्किंग है, ये तो हेराफेरी भी कर रहे हैं। 420 और धाराएं भी इनके ऊपर बनती है। अच्छा, और जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में ऐसे कई अस्पताल हैं जो अवैध रूप से पार्किंग करवाते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं, जिससे जाम की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में अब एक अस्पताल पर FIR होने के बाद अन्य अस्पतालों में हो रही अवैध तरीके से पार्किंग पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि पारस हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर अब गुरुग्राम पुलिस क्या कार्यवाही करती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।